मैं डॉक्टर फल्किया समर, आज के वीडियो में आई एम गोना टॉक अबाउट अ वेरी कॉमन टॉपिक विच इज़ नोन एज मेरा स्किन सेंसिटिव है. यस, हमारी स्किन सेंसिटिव होती है तो व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुडंट बी डूइंग, मैं इनके बारे में बता रही हूँ. सेंसिटिव स्किन में होता क्या है? बेसिकली मोस्ट ऑफ अस हैव अ सेंसिटिव स्किन. जैसे अदर्स हैव ड्राई, ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन होती है, कभी कभी सेंसिटिव स्किन भी होती है. सेंसिटिव स्किन में आपका आपको क्या कंडीशंस दिखती हैं, क्या सिम्टम्स दिखती हैं और इनकी वजह क्या है, ये मैं आज बताऊँगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, सेंसिटिव स्किन में क्या होता है, आप यू कम विद कंप्लेंट्स ऑफ मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है एंड मुझे रैशेस होने लगते हैं, रेडनेस होने लगती है, और यू ऑलवेज सी ऑल्सो कि यू नो छोटे छोटे बम्स या छोटे छोटे दाने भी होने लगते हैं, और इचिंग भी होती है कभी कभी, इरिटेशन सी होती है, खुजली मचती है. सो ये सब क्यों होता है एंड वॉट आर द प्रिकॉशंस यू कैन टेक एंड हाउ वी कैन कंट्रोल दिस. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सिम्टम्स में आप ये देखते हो कि वी कम अक्रॉस एक्जीमा होता है, रैशेस होते हैं, यू कैन हैव बम्स, यू कैन हैव रेडनेस, रोसेशिया, ये सब कंडीशंस वी कम अक्रॉस इन सेंसिटिव स्किन. व्हाई इट इज़ कॉज्ड? सेंसिटिव स्किन, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट रीजन. आई गेस इट इज़ इन योर मे बी बिकॉज ऑफ सीजनल चेंजेस हो सकता है, मे बी यू कीप ऑन चेंजिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आज आपने कोई इस कंपनी का मॉइस्चराइजर यूज़ कर लिया, कल कोई और यूज़ कर लिया, क्या किसी और ने बोल दिया तो हमने वो यूज़ कर लिया बिकॉज इट वॉज सूटिंग दैम. प्लीज़ डोंट डू दैट. या वन कंडीशन इज़ यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, चेंजिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स वेरी फ्रीक्वेंटली. अपार्ट फ्रॉम दैट, इट कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ सीजनल चेंजेस और एनी एलर्जी, ब्लड रिएक्शंस की वजह से भी हो सकता है ये, और टेकिंग एनी मेडिसिन विच इज़ नॉट सूटिंग यू, उसकी वजह से भी यू गेट टू हैव सेंसिटिव स्किन. और गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स, लाइक यू नो आज आपने पील करा लिया, कल आपने MDA करा लिया, फिर again you're going and getting laser done. Very frequently you're exposing your skin to all different kind of chemicals, different harsh treatments. In wajah se bhi sensitive skin ho sakti hai. What we need to see is always whenever you're going to get take a product for yourself, हमेशा पैच टेस्ट कीजिएगा. या मे बी बिकॉज योर समवेयर नियर योर नेक और एक हैंड, छोटा सा एक पैच ले लिया और वहाँ पे अप्लाई करके देख लिया. ऑलवेज गो फॉर अ पैच टेस्ट. वेट फॉर 5 to 10 minutes. अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, देन यू कैन बाई दैट प्रोडक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑलवेज सी सेंसिटिव स्किन के लिए इट इज़ ऑलवेज मैंशन इन एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर हाइपो एलर्जिक स्किन और फॉर सेंसिटिव स्किन. ये दो चीज़ें मेंशन होती हैं इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर सेंसिटिव स्किन के प्रोडक्ट्स. पीछे इट विल बी मेंशन, देयर विल बी स्टिकर और समथिंग मेंशनिंग हाइपो एलर्जिक स्किन और फॉर सेंसिटिव स्किन. यू कैन ऑलवेज पिक अप दोज प्रोडक्ट्स वेरी ईजिली. एंड ऑल्सो चेक फॉर सनस्क्रीन, अगर ले रहे हो ऑलवेज अप्लाई सनस्क्रीन. वेन एवर यू आर गोइंग आउट, ऑलवेज अप्लाई सनस्क्रीन, अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन. इट इज़ वेरी इफेक्टिव होता है एंड ऑल्सो आपको बहुत सारी हार्श सनलाइट हो गया, उस यूवी रेज, उन सबसे बचाता है. सनस्क्रीन में भी गो फॉर ऑर्गेनिक या मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन और यू नो विच हैज़ टाइटेनियम डाई ऑक्साइड इन इट और जिंक ऑक्साइड इन इट. ये दो इन्ग्रीडियंट्स डू नॉट हार्म योर स्किन एंड यू नो दे आर वेरी माइल्ड एंड कम्फर्टेबल फॉर योर स्किन. बट येस, ये सनस्क्रीन्स थोड़े थिक होते हैं, बट इट इज़ ओके. यू हैव टू जैसे जैसे यूज़ करोगे यू विल गेट यूज टू इट. So always go for sunscreen which has titanium dioxide or zinc oxide. Apart from this, get a patch test done. Also take care कि जब भी आप कोई मॉइस्चराइज़र और फॉर दैट मैटर फेस वॉश भी ले रहे हो तो ज़्यादा फ्रेग्रेंस नहीं हो एंड यू नो इट शुड नॉट बी टू मैनी प्रिजर्वेटिव्स नहीं होने चाहिए. अवॉइड लाइट जिसमें ब्लैंड हो, नो स्मेल, खुशबू नहीं हो एंड लेस प्रिजर्वेटिव्स हो. ऑलवेज गो फॉर दैट सनस्क्रीन. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डू नॉट वॉश योर फेस वेरी फ्रीक्वेंटली. आपको लगता है मेरा फेस सेंसिटिव है, मेरी स्किन सेंसिटिव है, तो ठंडे पानी से बार बार मुंह धोऊं या आइसिंग करूं, इससे मेरा फेस ठीक हो जाएगा. प्लीज़ डू नॉट डू दैट बिकॉज उससे इरिटेशन और उससे ड्राइनेस बढ़ती है, ड्राइनेस से इरिटेशन ऑब्वियसली
होने लगती है. सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एंड ऑल्सो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो जो भी प्रोडक्ट्स, एटलीस्ट यूज़ इट फॉर 6 months. 6 months तक लेट योर स्किन एब्जॉर्ब दैट, रिएक्ट टू इट एंड यू नो गेट यूज टू इट. डोंट कीप ऑन फ्रीक्वेंटली चेंजिंग द प्रोडक्ट्स और एनीथिंग. अगर इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, ऑलवेज फील फ्री टू टॉक टू योर डॉक्टर्स अबाउट इट. यू नो इसकी बिफोर गेटिंग एनी सीरियस हार्म टू योर स्किन, इससे अच्छा है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो एंड यू नो टेक देयर एडवाइस कि मैं ये यूज़ कर सकती हूँ या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो गई हो या अचानक से हो गया है, तो ऑलवेज यू कैन गो फॉर एंटी एलर्जिक टैबलेट्स या एंटी एलर्जिक क्रीम्स ऑल्सो जो होते हैं, वो इंस्टेंटली आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं. बट लॉन्ग टर्म में प्लीज़ डू नॉट यूज़ इट. इंस्टेंट यूज़ द राइट प्रोडक्ट्स विच आर गुड फॉर योर स्किन, विच आर गुड फॉर सेंसिटिव स्किन. इन चीज़ों का ध्यान रखो एंड यस, टेक केयर.